प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो हम सब ने सुना है। एंड इफ यू आस्क मी कि एक चीज बताओ जिससे हम हेल्थ इश्यूज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है सूर्य नमस्कार। इट्स सच एन ऑलराउंडर, स्टार्टिंग विद फैट लॉस, यू नो आर ऑल टाइम फेवरेट, टू फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ, पॉस्चर करेक्शन, हायर मेटाबॉलिज्म, और अगर ब्रीदिंग के साथ इंटीग्रेशन किया तो लंग कैपेसिटी भी बहुत ही अच्छा होगा। एक अलग ही लेवल का मेंटल स्ट्रेंथ आ जाता है अगर रोज प्रैक्टिस किया जाए तो आज की वीडियो में जानेंगे कि सूर्य नमस्कार के पीछे की कहानी क्या है, कौन से 12 आसन होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, और ब्रीदिंग का सही तरीका क्या है, और कितनी बार दिन में करना चाहिए। तो आखिरी तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज सूर्य नमस्कार इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इट इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस टू योगा। मतलब योगा बोलते ही सूर्य नमस्कार हमारे माइंड में आ ही जाते हैं। अब सूर्य नमस्कार से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, किसी भी ग्रंथों में या स्क्रिप्चर्स में कहीं भी सूर्य नमस्कार का कोई भी मेंशन नहीं है। फॉर दैट मैटर जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें आसनों के ऊपर तो लिखा गया है, बट कौन से आसन या उसके बेनिफिट्स के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया है। इनफैक्ट योगा की सबसे इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है पतंजलि योग सूत्रास, जिसमें करीब 195-196 श्लोक है। उसमें से सिर्फ 3 बात करते हैं आसन कैसे करने चाहिए, बट ये नहीं बताते कि कौन से आसन करने चाहिए। और मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सब लोगों के मन में हमेशा ऐसे सवाल आते हैं, कौन सा आसन बेस्ट है, कौन से आसन का क्या बेनिफिट है, राइट? तो आसना इज पार्ट ऑफ योगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट योगा इटसेल्फ इज वे मोर देन जस्ट आसना। इट्स मोर लाइक हाउ टू लिव लाइफ इन अ बेटर वे, दैट्स व्हाट योगा इज ऑल अबाउट। बट लेट्स कम बैक सूर्य नमस्कार के ओरिजिन के बारे में। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, लेट मी टेल यू दैट। एक कथा के अनुसार सूर्य नमस्कार के निर्माता है हनुमान जी, आपने सही सुना। अब हुआ ये कि हनुमान जी जब बचपन में सूर्यदेव को खा लेते हैं तो बाकी देवता उन्हें श्राप देते हैं कि वो सारा ज्ञान सब कुछ भूल जाए। और अब जब हनुमान जी बड़े होते हैं तो उनकी माता अंजना उन्हें कहती है कि आप क्यों नहीं सूर्यदेव से जाके रिक्वेस्ट करो कि वो आपको वापस ज्ञान दे। वो कहती है कि सूर्यदेव ने दुनिया में सब कुछ देखा है, उनसे ज्यादा शायद ही किसी को कुछ पता होगा, और वो बरसों से देखते आ रहे हैं। तो हनुमान जी उनके पास जाते हैं, सूर्यदेव से कहते हैं प्लीज मुझे ज्ञान दीजिए। सूर्यदेव बोलते हैं मैं 24/7 बिजी रहता हूँ, पूरे टाइम घूमता रहता हूँ, तो मैं कैसे दे सकता हूँ आपको ज्ञान। हनुमान जी बोलते हैं आप बस हाँ बोलिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो सूर्यदेव बोलते हैं कि अगर तुम मेरी स्पीड मैच कर सकते हो, साथ साथ घूम सकते हो पूरे 24 घंटे, तो आई एम रेडी। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज हनुमान जी सूर्यदेव को देख रहे हैं और उनके साथ साथ घूम भी रहे हैं, तो वो बैकवर्ड उल्टी दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको गुरु को हमेशा फेस करना होता है, isn't it? ये पूरे ज्ञान का आदान प्रदान करीब 1 हफ्ते चलता है। लास्ट में हनुमान जी पूछते हैं कि मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दे सकता हूँ। तो सूर्यदेव बोलते हैं कि तुम मेरे साथ 7 दिन तक रहे और मुझसे ज्ञान लिया, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। एंड हनुमान जी ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कुछ आसन किए, उन्हें ही आज सूर्य नमस्कार कहा जाता है। इसलिए सूर्य नमस्कार में देखिए आप बैकवर्ड मूवमेंट है, फिर अष्टांग नमस्कार है, एंड देन फॉरवर्ड मूवमेंट, इजंट इट? तो ये सबसे पहला मेंशन है। अब जो सेकंड मेंशन है इन हिस्ट्री ऑफ सूर्य नमस्कार इज 17th century। 17 के दशक में ऐसा माना जाता है कि स्वामी समर्थ रामदास जी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, ये खुद तो सूर्य नमस्कार करते ही थे और काफी बॉडी बिल्डिंग टाइप्स थे, साथ साथ इनकी स्कूल में सारे स्टूडेंट्स को भी सूर्य नमस्कार कंपलसरी था। ऐसा भी माना जाता है कि शिवाजी और सारे मराठास भी सूर्य नमस्कार करते थे, इसीलिए ही शायद मराठा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और अजाइल, मतलब बहुत फुर्तीले थे। और सबसे रिसेंट जो मेंशन है वो है 1920s के आसपास ऑन के राजा भवंसराव पंत प्रतिनिधि। तो 1920 में पहली बार कोई बुक लिखी गई थी
जिसमें रिटन सूर्य नमस्कार वर्डिंग और सूर्य नमस्कार के आसन, उसके ब्रीदिंग टेक्निक, उसके बारे में लिखा गया है। चलिए अब हम जानते हैं सूर्य नमस्कार के कुछ बेनिफिट्स। सूर्य नमस्कार एक्ट्स एज अ परफेक्ट कार्डियो फॉर द बॉडी, बट सिर्फ कार्डियो ही नहीं, ये मसल स्ट्रेंथ को भी डेवलप करता है, विच मेक्स इट एन आइडियल सेट ऑफ आसनस फॉर फैट लॉस। अगर आप डेली सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करने लग जाओ तो इट ऑल्सो इम्प्रूव्स मेटाबोलिज्म ऑफ द बॉडी, जिससे आपको और सस्टेनेबल वेट लॉस में मदद होगी। इंटरेस्टिंगली सूर्य नमस्कार में हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच भी होती है, स्पेशली अराउंड द एब्डोमिनल रीजन, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती है, साथ साथ ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को भी एक्टिव करता है, which helps in releasing digestive juices and directly helps with weight management. Also, सूर्य नमस्कार से आपका एपेटाइट भी सही हो जाता है और बोन्स और मसल मास भी बढ़ता है, तो ये एक हेल्दी वेट गेन में भी उतना ही हेल्पफुल है। और डाइजेशन जितना अच्छा होगा उसका इम्पैक्ट आपकी स्किन पे तो होगा ही, साथ साथ सूर्य नमस्कार से ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है, जिससे चेहरे पे चमक आती है। तो जो लोग कंसिस्टेंटली सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करते हैं उनके चेहरे पे आपको एक अलग ही तेज दिखेगा और ब्लड सर्कुलेशन से हेयर फॉलिकल्स पर भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं, जिससे आपका स्कैल्प नरिश होगा, हेयर फॉल कम होगा और प्री मैच्योर ग्रेइंग मतलब बाल सफेद होना भी अवॉइड किया जा सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स भी इम्प्रूव होते हैं, मंथली साइकिल रेगुलेट होता है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स कम होते हैं और ये एक मेजर फैक्टर होता है PCOS। तो नेचुरली सूर्य नमस्कार हेल्प विद डीलिंग PCOS। सबसे इम्पोर्टेंट, सूर्य नमस्कार से गट फीलिंग यानी सिक्स सेंस, जो आपका इंट्यूशन है, फोकस है, वो भी शार्प होता है। और अगर सूर्य नमस्कार को ब्रीदिंग के साथ जोड़ दिया जाए तो जो हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है, एंग्जाइटी या स्ट्रेस को भी कम करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो ऐसे ऑफकोर्स बहुत सारे और फायदे हैं, बट लेट्स कम टू माई फेवरेट पार्ट, दैट इज सूर्य नमस्कार कैसे किया जाए। So let's begin and see how we do the Surya Namaskar. So, जब भी हम Surya Namaskar या कोई भी आसन कर रहे होते हैं, कभी भी perfection के पीछे नहीं जाएंगे। आप regularly practice करें इसे और आप notice करेंगे कि आपकी body अपने आप improve करेगी आपके हर आसन को। Breathing के लिए एक simple सा rule, जब भी body expand करे आप सांस अंदर लेंगे, जब भी body contract करे आप सांस बाहर छोड़ेंगे। ये 80-90% cases में काम कर जाता है। कुछ केसेस होंगे जहां पे एक्सेप्शन होगा, उसके बारे में हम ड्यूरिंग द सेट आसन बात करेंगे। अब मैं आपको दो सूर्य नमस्कार के आसन पूरा सीक्वेंस करके दिखाऊंगा। एक में हम आसनों के ऊपर बात करेंगे, दूसरे में हम ब्रीदिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज अबाउट आसनास एंड द सेकेंड वन इज मोर फोकस्ड ऑन द ब्रीदिंग, ऑन हाउ टू ब्रीद इन दैट पर्टिकुलर स्टेप। ओके, सो लेट्स बिगिन। नमस्ते। सो बेसिकली व्हाट वी डू इज वी इंटरनलाइज द माइंड हियर। आपको अपने मन को अंतर्मुखी करना होता है जब भी हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हैं। सो पहला सीक्वेंस जब हम करेंगे राइट पैर के साथ, उसमें हम बात करेंगे आसनों के ऊपर। सो दिस इज नमस्ते मुद्रा, नमस्कार मुद्रा। टेक योर हैंड्स अप एंड पुश योर वेस्ट फॉरवर्ड। इसमें आपको नोटिस करना है कि आप कमर को आगे पुश कर रहे हैं, ना कि हिप्स को पीछे और पेट को आगे, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है? हमें क्या करना है, कमर को आगे पुश करना है और हाथों को पीछे की ओर ले जाना है। दिस इज पोजिशन नंबर टू। इसे हस्त उत्थान आसन भी कहते हैं। एंड देन पोजिशन नंबर थ्री, यू फर्स्ट पुश योर हिप्स बैक, ट्राई टू कम एज मच एज पॉसिबल लाइक दिस एंड देन यू स्लोली ड्रॉप। हस्त पादासन, हस्त पादासन भी कहते हैं इसे। हियर वी आर गोइंग टू बेंड द नीज एंड कीप आवर हैंड्स बाय द साइड। घुटनों को मोड़कर हाथों को पैरों के बगल में रख दें। स्लोली टेक योर राइट फुट बैक, राइट पैर को जितना पीछे हो सके लेकर जाए एंड लुक फॉरवर्ड। सामने की ओर देखेंगे। इसमें आप चाहे तो घुटना ऊपर भी रख सकते हैं, घुटना नीचे भी रख सकते हैं। अश्व संचालन आसन भी कहते हैं इसे। दिस इज पोजिशन नंबर फोर। पोजिशन नंबर फाइव, दंड आसन लाइक दिस। बॉडी इज इन वन स्ट्रेट लाइन। सिक्स,
आप पहले पीछे जाएंगे शिशु आसन में और फिर आगे आएंगे अष्टांग आसन, ऐसे। इसमें आप नोटिस करेंगे हमारे शरीर के 8 अंग जमीन पर लगे हुए हैं, ठुड्डी, 2 हाथ, छाती, 4 ये, 2 घुटने और 2 पैरों की उंगलियां, भुजंगासन, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए और धीरे से गर्दन, सिर और छाती को ऊपर उठाएं। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आप अपने गर्दन को क्रंच नहीं कर रहे, मतलब आप अपने गर्दन को कानों की ओर नहीं लेकर जा रहे हैं, आप इसको न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे। तो जब भी आप हाथों का सहारा लेंगे तो आपकी गर्दन ऊपर आ सकती है, ऐसे कंधे ऊपर आ सकते हैं, तो कंधों को आप ढीला छोड़ेंगे। भुजंगासन, एंड फ्रॉम हियर यू विल पुश बैक टू डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमोक्षवानासन। इसमें हो सकता है आपकी एड़ी जमीन पे ना लगे, विच इज फाइन, ऐसा अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे कि हम अपनी एड़ी को जमीन की ओर लेकर जाए। एंड देन स्लोली ब्रिंग योर राइट फुट इन बिटवीन योर हैंड्स। अब ऐसा हो सकता है कि आपका पैर पूरा हाथों के बीच में ना आए, यहीं तक आए, तो आप धीरे धीरे यहाँ पर इसे लाने की कोशिश करेंगे, होता है बहुत अच्छा, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं। एंड देन स्लोली ब्रिंग योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, दूसरा पैर सामने की ओर लेकर आए फिर से। आप देखेंगे पोजिशन 8 के बाद की जो आसन है वो स्टार्टिंग का जो सीक्वेंस है उसी का रिवर्स ऑर्डर है। And then you slowly lift up and you go back in namaste. तो जो हम अब अगला सीक्वेंस करेंगे उसमें हम ब्रीदिंग पे बात करेंगे, ठीक है। सो ब्रीदिंग का सीक्वेंस ऐसे होगा, इन पोजिशन नंबर 1 वी विल ब्रीद आउट, सांस बाहर छोड़ते हुए शुरू करेंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाए, सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे और नीचे की ओर लेकर आए, सांस लेते हुए पैर को पीछे लेकर जाए, चौथा पोजीशन, पोजीशन नंबर 4, सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को पीछे लेकर जाए, यहां पे आपको सांस को रोक कर रखना है, होल्ड द ब्रेथ, गो बैक एंड फॉरवर्ड। एंड इन पोजिशन नंबर 7 वी विल ब्रीथ इन, सांस अंदर लेंगे, पीछे जाएंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, सांस अंदर, पोजिशन नंबर 9, सांस बाहर, पोजिशन नंबर 10, सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नमस्ते। This completes one set of Surya Namaskar. ये 12 poses हमारे joints को lubricate करते हैं और काफी physical and mental benefits देते हैं। Before we talk more about it, नीचे जो हमारा description है उसमें हमने ये भी mention किया है कि किसको किसको सूर्य नमस्कार नहीं करने चाहिए, तो आप प्लीज उसे चेक कर लीजिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन टू आंसर, कब और कितनी बार करें? सुबह खाली पेट इन द सन वुड बी द बेस्ट, एंड स्टार्टिंग विद 6 सेट्स, इंक्रीजिंग अप टू 12 सेट्स ऑन अ डेली बेसिस। मतलब सुबह सुबह की धूप में अगर हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो वो बेस्ट होगा। 6 सूर्य नमस्कार, 6 सेट मतलब 12, तो 6 सेट में क्या होगा कि आप राइट से 6 करेंगे, लेफ्ट से 6 करेंगे, टोटल 12 सूर्य नमस्कार से आप शुरू कर सकते हैं और आप 24 या 30 सूर्य नमस्कार तक भी जा सकते हैं। सुबह सुबह की धूप में जब हम करते हैं तो ये एक और बात जरूरी है याद रखना कि हमें सूरज की रोशनी चाहिए, सूरज की उष्णता नहीं, मतलब वी नीड सनलाइट एंड नॉट द हीट ऑफ द सन, सो वी हैव टू डू इट इन द अर्ली मॉर्निंग और द इवनिंग सन। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप
कितने सूर्य नमस्कार और कितने दिन तक करेंगे हर रोज। एक छोटा सा कमिटमेंट ले सकते हैं ताकि आपको रेगुलर होने में हेल्प मिले। और मेरा रिकमेंडेशन तो यही होगा कि आप एक संकल्प ले, कमिटमेंट ले, 6 सेट 6 दिन के लिए हर रोज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन आर कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप वेयर वी कीप शेयरिंग इंटरेस्टिंग स्टफ अबाउट हेल्थ एंड हेल्दी हैबिट्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू मे ऑल्सो वॉन्ट टू चेक आउट दिस वीडियो।